किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ रखा है, और ये जो हमारी पूरी टीम है, काफ़ी लोग हैं जो पहले से मुंबई में थे, मैं भी 3 साल पहले मुंबई आया था, लेकिन हम सब ने साथ में मिलकर काम किया है अभी तक, और ये हमारा तीसरा या चौथा अवार्ड शो होने वाला है। 3 अवार्ड शो हम लोग कर चुके हैं, 2 बार गोल्डन गर्ल किया है हम लोगों ने, इफ्टा किया, और अब फैन लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ में अमितोष जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, रेमी भैया हैं जो प्रोड्यूसर हैं, रेखा राव दीदी को आप सभी जानते ही हैं कि काफ़ी कमाल के सिंगर हैं, साथ में है दीपा मैम जिनने हमारे साथ में 4 इवेंट किए अभी तक, और शहनाज मैम हैं। शकील सर अभी आ चुके हैं, इफ्टा में आए थे, गोल्डन गर्ल में नहीं आ पाए। सुनील पाल सर गोल्डन गर्ल में थे। ये वो चेहरे हैं जो मेरे परिवार की तरह हैं, जो कभी किसी इवेंट में नहीं आ पाए तो दूसरे में आते हैं। अभी अभीर दादीज भी सामने बैठे हुए हैं, त्रिशा मैम भी यहाँ पर हैं, इनका सपोर्ट हमें हमेशा से मिलता रहा है और ये यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। और हमारी जो एंकर हैं, ये पिछले 3 शो से हमारे साथ में है। कई बार होता है कि जनरली चेंज कर देते हैं एंकर या किसी भी चीज़ को, हम परमानेंटली रखने वाले हैं आपको। ये स्पेशली भोपाल से यहाँ पे आती हैं, तो एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि कोई भी शो सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब उसका होस्ट बहुत कमाल का होता है, और ये बड़ी कमाल की होस्ट हैं जो यहाँ पे आई हैं। और हमारी मम्मी भी यहाँ पे हैं, हेमा मैम, तो उनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार कि वो यहाँ पर आएँ। अभी हम लोग बात करते हैं अवार्ड शो की। हम लोग एक अवार्ड शो लेकर आ रहे हैं फैन, जिसका फुल फॉर्म है फिल्म फर्टिनिटी अवार्ड नाइट, और ये 27 अक्टूबर को होने जा रहा है अपने अंधेरी वेस्ट में, जो लोखंड वाला है सेलिब्रेशन क्लब, वहाँ पर होने जा रहा है, जहाँ हमने इफ्टा किया था। अगर कुछ लोग इफ्टा में आए होंगे तो वहीं पर हम लोग ये अवार्ड शो करने वाले हैं। फैन करने के पीछे रीज़न ये है, आजकल कई सारे अवार्ड शोज़ हैं, हम भी कराते हैं काफ़ी सारे, कोई इफ्टा के नाम से, कोई गोल्डन गर्ल के नाम से, तो हमने एक ऐसा अवार्ड शो का नाम रखा, रेमी भैया का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। हमने कम से कम 28-29 अवार्ड शो के नए नए नाम, जो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, रेमी भैया, दीपा मैम, तो हम लोग सर्च कर रहे थे, तो फिर हमें ये वाला अवार्ड शो का नाम थोड़ा सा अच्छा लगा, फिल्म फर्टिनिटी अवार्ड नाइट के नाम से, फैन बोलने में भी अच्छा लगता है। तो ये अवार्ड शो होने जा रहा है, और इस अवार्ड शो में वही सारा चीज़ें होगी जैसे हम लोग इफ्टा, आईफा, फिल्म फेयर, स्टार गिल्ड, स्टार डस्ट अवार्ड में देखते हैं कि वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न और ओटीटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, उन्हीं लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच कुमार सर। दोस्तों आपने सरल स्वभाव देखा, कितनी सादगी से। माई सेल्फ दीपा सेठ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुमार गौतम एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हूँ। He is a very humble, sweet person, और ये सबको अपने फैमिली जैसे ही ट्रीट करते हैं, सारे जो भी हम टीम साथ में हैं, so we live like a family। और बाकी तो इन्होंने बता ही दिया है, जैसे हमारा इफ्टा था अवार्ड शो, इट वॉज अ वेरी गुड सक्सेस, आफ्टर दैट इट वॉज अ गोल्डन गर्ल, एंड दिस इज़ अ थर्ड अवार्ड शो विच इज़ हैपनिंग इन मुंबई अगेन, दैट इज़ फैन। तो मैं चाहूँगी इस फैन को आप सब सपोर्ट करें, ब्लेसिंग्स दे, गुड विशेज दे, और आप सब इस फैन अवार्ड के फैन बन जाएं। थैंक यू सो मच, लवली, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, और जितने भी हमारे आदरणीय गेस्ट यहाँ पे पधारे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ कुमार गौतम एंटरटेनमेंट की तरफ से। और हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए आदरणीय हैं, हमारे गेस्ट हैं शकील सर, सुनील जी हैं, बहुत हमारा पुराना रिश्ता रहा है मंच शेयर करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ आज आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। साथ ही कहना चाहूँगी निक्की बत्रा जी हैं, बहुत सीनियर कोरियोग्राफर हैं। निक्की जी आप आगे आइए ना प्लीज़, बहुत सारे फिल्मों में आपने कोरियोग्राफी की और अभी रिसेंटली ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका गाना भी हम कल रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये कुमार गौतम मेरा भाई है और हम एक ही शहर से आते हैं, कोटा से, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारा 3रा अवार्ड अभी ये करने जा रहे हैं फैन। तो फैन का आपने बताया था फिल्म फ्रेटर्निटी अवार्ड्स, तो बहुत खुशी की बात है, एक बड़ा आयोजन कुमार हर साल करते आ रहे हैं, गोल्डन गर्ल्स से शुरुआत की थी मुंबई में। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमने काफ़ी सारे गाने किए हैं, राजस्थानी भी किए हैं, हिंदी सॉन्ग किया है इश्क की राह पे, तो आप प्लीज़ देखिएगा और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो हम लोगों ने साथ में मिल करके संगीत से जुड़े हैं। और आगे भी मैं चाहती हूँ ये जो आयोजन है फैन का, इसको हम सब मिल करके सफल बनाएं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कुमार को। और ये हमारी प्यारी टीम है, टीम नहीं परिवार आप कह सकते हैं, दीपा है, शहनाज है, अमितोष, रमी जी,
बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं इस 27 अक्टूबर को जो फैन अवार्ड्स होगा उसके लिए, सब दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस अवार्ड फंक्शन के लिए। जैसे इफ्टा किया था तो उससे भी बड़ा आयोजन इस बार ये होना चाहिए, मेरी यही इच्छा है। तो हम सब मिल करके जी जान से जी तोड़ कर मेहनत करेंगे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पधारे हैं आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 20 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही काम करते आया हूँ, तो मेरा एक्चुअली अवार्ड के साथ कोई नाता नहीं है। अगर अवार्ड के साथ नाता है तो मुझे लेना अच्छा लगता है, देना इतना पसंद नहीं है एक्चुअली। लेकिन मेरे प्यारे भाई हैं कुमार भाई, इनके साथ कुछ टाइम से ऐसा रिश्ता हुआ कि अब पीछे पीछे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आगे नहीं आए अवार्ड्स में, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन रहा है वो फिल्म मेकिंग का रहा है, एज एन फिल्म मेकर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन क्रिएटिव प्रोड्यूसर। लेकिन एक भाई के नाते चलो ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, तो शायद मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जो कि उनकी मेहनत में सफल ला सके, रंग ला सके, बस ये कोशिश करता हूँ। बाकी मेरा इससे कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि शायद जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है मेरी सपोर्ट उनके साथ रहे हमेशा ही। बाकी टीम बहुत अच्छी है, सब मेहनत कर रहे हैं 27 तारीख को सक्सेस करने के लिए। आप लोग आज यहाँ आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि 27 को हम वापस मिलेंगे, अक्टूबर 27 को, और इसको एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे कि पिछले जो अवार्ड्स थे, जो इफ्टा थे, बाकी भी चीज़ थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैच हो रहा था। तो हमने सोचा कुछ ऐसा नाम रखें जो कि लोगों को कैची लगे और अच्छा लगे कि नहीं अवार्ड ना सिर्फ कुमार गौतम एंटरटेनमेंट के पास ही है। तो हमने इसके लिए फ़ैन रखा, फ़ैन का भी मीनिंग होना चाहिए, फिल्म फर्टिनिटी अवार्ड नाइट, तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। फिर हमने इसको पहली बार करने जा रहे हैं, जिसका आज यहाँ पर थोड़ी देर में हम इसको रिवील करेंगे, आप लोगों से बैठिए उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। कई बार इन्होंने मुझे अवार्ड दिया, आगे भी देते रहिए, क्योंकि अवार्ड और रिवॉर्ड जब मिलता है तो जोश आता है ना, रेखा जी जानती है इस बात को। और जहाँ पर इतने सुलझे हुए लोग हैं, इतनी प्यारी जूरी है, इतनी खूबसूरत जूरी को देख के यही गाना मन में आता है, जूरी आई लव यू। जूरी को देखिए, हमारी आसाम की बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी यहाँ पर बैठी है, हाँ आसाम से आई और आज शाम तक हमारे साथ बैठी है। और ख़ासकर इनके मुख्यमंत्री इनकी जो है वो बहुत प्यारे हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए। उन्होंने अभी बोलता है कि उनका हिंदी तो पता है उनका, आपका तो थोड़ा अच्छा है, उनके जीवन में तो च शब्द है ही नहीं। सुनाओ के लिए हम आए हैं, सुनाओ के लिए सब चढ़ सुनाओ, सुनाओ है सुनाओ बेटो, सबको सब्जी दे जमा कर सुनाओ, इसमें क्या बुरा बात है, सुनाओ तो है। मैं कुमार गौतम को बधाई दूंगा। और सबसे पहली चीज़ होती है अवार्ड का नाम, फैन। तो हमें ऐसा लगता है कि सिनेमा के हम सभी फैन हैं और ये फैन का अवार्ड होने जा रहा है। और आप सब लोग यहाँ पर आए हुए, कुमार पिछले कई टाइम से मेरा छोटा भाई है सर, और मैं हम लोग सेम ही सिटी से, कोटा से, और बहुत लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी की जो तैयारियां देखी है तो वो बहुत अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस टाइम वाला उससे ज़्यादा और बहुत अच्छा होगा। तो मेरी बेस्ट विशेष उसके साथ है, और जो टाइटल है वो बेस्ट है मुझे, तो ऑल द बेस्ट फॉर फिल्म। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कुमार गौतम को, उसकी सारी टीम को, नाम भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है फैन, और पिछले दो अवार्ड भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल गए थे इनके। इस बार भी मैं दुआ करूंगा मालिक से कि ये अवार्ड भी, ये फंक्शन भी बहुत अच्छा जाए, चार चांद लगे इसमें और काफ़ी नाम और शोहरत और कमाई है, मेरी शुभकामनाएँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे एज एन श्री रैमी के नाम से जानते हैं, और मैं पिछले 20 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते आया हूँ, और एज एन
फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से जानते हैं। बेसिकली मैं इस अवार्ड के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब मिल के बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसकी सारी जितने भी अगर इसका जो बेस्ट विशेष जाता है कुमार भाई को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अवार्ड बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो और वो जो मकसद से यहाँ पे आए हैं राजस्थान से और जो मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बस उनके मेहनत में हम सफल हो सकें और हमको कितना हम हेल्प कर सकते हैं बॉलीवुड की तरफ से, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, बस ये मेरी दिल से ख्वाहिश है और कोशिश है। हाँ जी, बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ हैं तो आपसे हम लोग हैं। जैसा कि अवार्ड शो की अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बे में या इंडिया में हम बात करें तो रोज़ अवार्ड शोज होते हैं, बट इस अवार्ड शो में नया क्या है, तो उसी कन्वर्सेशन को लेके मेरी और कुमार दीपक की बात हुई और समझ में आया कि एक्चुअल अवार्ड शो को किस तरीके से करना है और बहुत आगे लेके जाना है। तो वहाँ से आर्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कुमार गौतम एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ा, मैं और मेरी वाइफ तशा। सो अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 27 अक्टूबर को अवार्ड शो होने वाला है। हैशटैग फैन, आप सबकी विशेष चाहिए और सबसे बेस्ट और सबसे बिगेस्ट अवार्ड शो होने वाला है ये इंडिया का। मोर देन 150 सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं और उसके ऊपर से वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट एवरीवन और हैशटैग फैन विच ऑल्सो स्टैंड्स फॉर फिल्म फेटर्निटी अवार्ड नाइट ऑन 27th ऑफ अक्टूबर दिस ईयर। कुमार गौतम से मैं पर्सनली तो मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जानता हूँ, बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पिछले एक साल से हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं। सो मैंने कभी अवार्ड शो में कभी पार्टिसिपेट किया नहीं है, अवार्ड शो के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज थी नहीं, तो कुमार गौतम ने मुझे पूरा उसके बारे में समझाया कि किस तरीके से अवार्ड शोज होते हैं और ये क्या इसकी प्रेजेंस है, तो उसी से हम दोनों एक साथ हुए और आने वाले टाइम में कुछ म्यूज़िक वीडियोस आप देखेंगे जो कि कुमार गौतम एंटरटेनमेंट और आर्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड साथ मिलकर करने वाले हैं। आई एम द को-फाउंडर ऑफ आर्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। आर्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक एस्पायरिंग मीडिया वेंचर है जहाँ पे न्यू टैलेंट्स को मौका दिया जाता है जो कि बॉलीवुड और हमारे मीडिया के हेल्प से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हम एक साथ हुए विद कुमार गौतम एंटरटेनमेंट्स विद अ विजन कि हम बेस्ट जो टैलेंट है उनको फेलिसिटेट करेंगे, उनको नवाजेंगे, बिकॉज ऑफ विच हम साथ हुए और पिछले एक साल से ये हार्ड वर्क चल रहा है और अभी 27th अक्टूबर को हमें इस हार्ड वर्क का फ्रूट मिलने वाला है विद ऑल योर सक्सेस एंड ऑल योर बेस्ट विशेस। मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब यहाँ आए। इस हमारा जो आज मेन जो उद्देश्य था फैन जो अवार्ड होने वाला है 27th अक्टूबर को, बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन कुमार गौतम एंटरटेनमेंट की तरफ से ही आयोजन होगा और मैं कुमार से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि हम एक ही शहर से आते हैं, मैं कोटा से हूँ, कुमार भी कोटा से, और हमने मिलकर के साथ में काम किया है क्योंकि कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमने साथ में मिलकर कई गाने किए हैं, एल्बम बनाए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, आप प्लीज़ देखिए ज़रूर, लाइक कीजिए। और साथ ही बताना चाहूँगी कि पिछली बार गोल्डन गर्ल अवार्ड किया था और एक बहुत बड़ा आयोजन किया था इफ्टा अवार्ड्स, तो इस बार सोचा कि हम इस अवार्ड फंक्शन को कुछ नया नाम दें तो कुमार गौतम एंटरटेनमेंट ने फ़ैन अवार्ड का नाम इस कार्यक्रम को दिया है जो होगा 27th अक्टूबर को सेलिब्रेशन क्लब लोखंडवाला में। तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस अवार्ड फंक्शन को बड़ा सफल आयोजन हम सब मिलकर के बनाएंगे, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है आप सब ज़रूर इस आयोजन में आएंगे और हमारे इस अवार्ड को सफल बनाएंगे। कुमार गौतम जी के लिए जो इतना एक अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश में है और हम डायरेक्टर फिल्में तो बना देते हैं लेकिन अवार्ड तक पहुँच नहीं पाती हमारी फिल्में, तो हम चाहते हैं कि इस अवार्ड के ज़रिए भी हमारी फिल्में यहाँ तक पहुँचे और सारी शुभकामनाएं हैं कुमार गौतम साहब के लिए कि एक अच्छा प्रोग्राम ही करने जा रहे हैं। ऑल विशेस ऑन 27, वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।
हम आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से हैं। हमारी कंपनी ने गौतम जी को ज्वाइन किया एंड हम उनको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं इस शो के लिए। आई होप ये पहले के शोज़ की तरह सक्सेसफुल रहे एंड एट द एंड आई वाज जस्ट ओनली लाइक टू से बेस्ट विशेस टू हिम एंड गुड लक। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू कुमार एंड आई विश लक टू द कुमार गौतम एंटरटेनमेंट। एंड हम लोग बेसिकली आर्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ से हैं एंड हमारा पूरा सपोर्ट है कुमार जी के लिए और हमारी बेस्ट विशेस और सारे एफर्ट्स उनके साथ में हमेशा हैं एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड आई होप कि ये शो पिछले शोज़ की तरह सुपर हिट सक्सेसफुल रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे। के लिए इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है और आज का जो ट्रेलर देखा और आपका ट्रॉफी देखा इतना खूबसूरत था और 27 अक्टूबर का जो आपका इवेंट होने वाला है उसके लिए मैं अभी से ही सारी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ और सारी मीडिया के साथ में हंगामा करना है 27 अक्टूबर को, सब लोग तैयार हो जाइए। मैं थैंक्स बोलूँगा कुमार एंटरटेनमेंट को और मैं चाहूँगा कि कुमार एंटरटेनमेंट का जो प्रोमो है मैं 112 कंट्री में दिखाऊँगा क्योंकि मेरा भी खुद का एक दिशा टीवी है जो 112 कंट्री में ऑन एयर है, तो वो मुझे प्रोवाइड करें, मैं उसकी ब्रांडिंग में उनकी मदद करूँ। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मेरा नाम राजेश राठी है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और ये है कविता, मेरी वाइफ है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। और ये जो अवार्ड फंक्शन है जो आज लॉन्च हो रहा है, मैं कहूँगा कि कुमार जी को, गौतम साहब को अवार्ड फंक्शन का काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है और उसी कड़ी में ये जो नया अवार्ड वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर और मुझे उम्मीद है कि ये अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा नाम कमाएगा और इनका जो फंक्शन है 27 अक्टूबर को वो बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा, मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। आप क्या कहेंगे? ये जो अवार्ड फंक्शन है इसको देखकर सुनकर जिस तरह से गौतम भाई ने प्रयास किया और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में जितनी सफलता हासिल की, ईश्वर करे वो इससे बड़ी सफलताएं हासिल करे और उच्च क्वालिटी की फिल्मों को अवार्ड दें, अच्छे लोगों का चयन करें। थैंक यू। बहुत बड़े फैन है स्टार्टिंग से बिकॉज एक साल की कड़ी मेहनत है एंड फाइनली 27 अक्टूबर 2023 को फैन अवार्ड्स आ रहे हैं। बॉलीवुड में पहली बार ऐसा होगा कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ एक साथ आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेंगे। कई सालों से सारे अवार्ड्स आपने देखा अब्रॉड हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर देशों में हो रहे हैं, पर फाइनली अब एक नई शुरुआत है जो मुंबई में होने वाली है। फैन आपका ये 4 साल का एक्सपीरियंस अमेजिंग, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है क्योंकि वैसे बहुत सिंपल सोबर इंसान है लेकिन बहुत सपोर्टिव है, बहुत वाइड विजन है उनका और बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आ पाते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आज कुमार गौतम सर, उनकी पूरी टीम इतनी मेहनत करके इफ्टा के बाद गोल्डन गर्ल अवार्ड लेकर आए, गोल्डन गर्ल अवार्ड्स के बाद अब हम फैन लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी मेहनत करते रहिए और सारी मुश्किलें बहुत जल्दी से आसान हो जाती हैं। थैंक यू। हाय, अमितोष सिंह है। एक्चुअली मैं कुमार भाई सर पिछले 4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब उन्होंने गोल्डन गर्ल किया था तब मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस अवार्ड में इस साल मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला और 27 अक्टूबर को सेलिब्रेशन क्लब में आप सब आइए जरूर। ऊपर के पास से बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा अवार्ड शो होगा। प्लीज़। हाय, शहनाज देसाई। सो मैं भी इस इवेंट के साथ लास्ट इस कंपनी के साथ लास्ट जून महीने से जुड़ी हुई हूँ। हमने एक लास्ट शो किए थे जिसका नाम है गोल्डन गर्ल अवार्ड शो और आने वाला है फैन, तो आप सबकी ब्लेस चाहिए, आइए आप लोग भी हमको ब्लेस दीजिए, साथ दीजिए और हम भी पूरी दम लगा के मेहनत करेंगे और इस फैन को आगे लेके जाएंगे। होप आप लोग हमारे साथ हो और कुमार भाई है, बाकी पूरी टीम है हमारे साथ जुड़ी हुई है। होपफुली 27 अक्टूबर लोखंडवाला में द सेलिब्रेशन क्लब में है, आप सभी आइएगा उधर। आई एम म्यूजिक कंपोजर मिलन हरीश। मैं कुमार सर से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इनका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही हाई है और दीपा मैम का भी है, परमिशन उनका बहुत अच्छा है और मैं इनके अभी 6 गाने कंपोज भी कर रहा हूँ इनके प्रोडक्शन के लिए। रेखा जी भी गा रहे हैं और इनकी जो क्रिएटिविटी मुझे मिली है कि एक अच्छा सा गाना हिंदी बहुत जल्द लॉन्च करने वाले, बहुत अच्छे लेवल पर वीडियो के साथ,
तो मैं कुमार सर को बहुत बधाई देना चाहूँगा फैन के लिए जो 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा मुझे प्रोमो लगा, पोस्टर्स लगा एंड मोमेंटोज वगैरह ऑल आर वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी नाइस। थैंक यू एंड बधाई पूरी टीम को। क्योंकि मुझे बच्चों को शुभकामना देना चाहती थी और जितना हो सके कि आई एक्सपेक्ट वी शुड हैव अ ब्लास्ट इन दिस 27th अक्टूबर। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज साहिल सेठ और अभी फैन इवेंट हो रहा है, फैन अवार्ड शो हो रहा है 27th ऑफ अक्टूबर को, तो आप सब लोग आइएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिए, मीडिया में फुल ऑन हाइप कीजिए, अपना हैशटैग फैन फुल ऑन और सब मिलते हैं हम लोग सब 27th अक्टूबर को सेलिब्रेशन क्लब में। थैंक यू। हाय, माय नेम इज सानिया, आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू कुमार एंड दीपा एंड बहुत सक्सेस होएगा ये नेक्स्ट इवेंट भी फैन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मचा दो लोग डर है क्योंकि आप लोगों की वजह से ही कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। हमने आज एक नए अवार्ड शो का अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम है फैन, उसकी फुल फॉर्म है फिल्म फर्टिनिटी अवार्ड नाइट और मैं चाहूँगा कि ये भी उसी तरह से सक्सेसफुल हो जैसे हमारा इफ्टा हुआ था। हमारी पूरी टीम का सहयोग रहा था तभी जाके इफ्टा बहुत ह्यूज लेवल पर सक्सेस मिली थी उसको। अभी हमारे साथ दीपा मैम भी हैं, इफ्टा में भी थे, गोल्डन गर्ल में भी थे और हमारे साथ शैलेश भाई हैं, रेमी भैया हैं, गोपेश भैया हैं, त्रिशा भाभी हैं, सब लोग हमारे साथ में हैं, रेखा जी हैं और हमारी जो एंकर है, हमारी फैमिली एंकर जो हमें होस्ट करती है हमारे शो को, स्वर्णा मुद्गल मैम, वो भी यहाँ पर है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, एक प्यारा सा नाम रखा है हमने फ़ैन और ये उसी तरह का अवार्ड शो है जैसा हम लोग देखते हैं आईफा, फिल्म फेयर, स्टार गिल्ड, ये जो अवार्ड शो आते हैं उसी तरह से अवार्ड शो ये होने जा रहा है। वो जो अवार्ड शो मैंने अभी नाम लिए हैं 3-4, वो सब अब इंडिया के बाहर होते हैं, जैसे कोई दुबई में करता है, कोई US में करता है, कोई कनाडा में करता है, तो हम लोग इंडस्ट्री का एक अवार्ड शो मुंबई में करने जा रहे हैं फ़ैन, जैसे हमने इफ्टा किया था। तो आप सभी का सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं कि आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग रहा तो ये अवार्ड शो काफ़ी नाम कमाएगा और सक्सेसफुल होगा। ये 27 अक्टूबर को होने जा रहा है लोखंडवाला में, अंधेरी वेस्ट में, सेलिब्रेशन क्लब में। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। गौतम भाई, अगर बात करें तो इसमें किस तरह की कैटेगरी आपने सोच के माइंड में रख के किया कि मुझे ये कैटेगरी को लेके करना है? कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से होगा जैसा हम लोग देखते हैं आईफा फिल्म फेयर में, जैसे हमने इफ्टा में किया था, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर, उसी तरह की कैटेगरीज इसमें रखी गई है जो फिल्म, टेलीविज़न और OTT को मिलाकर रखी गई है और काफ़ी अच्छा अवार्ड शो। इस बार में किसकी सेलिब्रिटी का नया चेहरा देखने मिलेगा? सेलिब्रिटी का नाम अभी अनाउंस नहीं कर सकते किसका डेट हमें मिलेगा, किसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर उनके नाम से अगर ज्यूरी अवार्ड डिसाइड करेगी और वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वहाँ खाली कुमार गौतम ही नज़र आएगा स्टेज के ऊपर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार काफ़ी बड़े बड़े नाम लेकर आएँ इस अवार्ड शो में, पिछली बार जो आए थे उससे डबल हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ भगवान महादेव रिजल्ट भी डबल ही देंगे। तो थैंक यू। कुमार जी, अवार्ड की डिजाइन क्या, इसके बारे में बताइए क्या कुछ मेंटेलिटी डिजाइन करने? अवार्ड को डिजाइन करने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं होता, हमारे साथ में जो एक खूबसूरत महिला हैं दीपा जी, इनका हाथ होता है, हमारे रेमी भी आए हैं जिनका हम परमिशन लेते हैं और पूरा कन्फर्मेशन लेते हैं कि भैया कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या क्या रहेगा, तो सबका मिला जुला हमारा वो है। बस कंपनी का नाम कुमार गौतम एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा ये काम 5-7 लोगों का मिलके है जिसमें रेखा राव दीदी हैं, सब लोग हैं, हम लोग पूरी फैमिली है, तो हम सब मिलके डिसीजन लेते हैं। मैम आप बताइए आप किस तरह से जुड़े हैं, को-फाउंडर हैं, जी आने वाला शो भी आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज कुमार जी इज़ अ वेरी नाइस, जैसे मैंने आपको कहा वेरी हम्बल, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ जुड़ के एज अ को फाउंडर आई एम वेरी हैप्पी। हमारा पहला शो था इफ्टा जो सेलिब्रेशन क्लब में हुआ था, सेकेंड शो था हमारा गोल्डन गर्ल, दैट वॉज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल और मैं चाहती हूँ हमारा ये आने वाला शो फैन जो आप पीछे देख रहे हैं ये सुपर सक्सेस हो और आपके ब्लेसिंग्स और गुड विशेस हो और आप सब ज़रूर आइएगा 27th अक्टूबर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।